अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने आज हिसाब से अपने डीपीओ साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे यहां से बचाएं। अब मैं अपने घर वालों से भी अपील करता हूं, मेरी जान छुड़वाएं यहां से। 12 बंदे मर गए हैं, ये 5 बजे तक का कह रहे हैं, अगर इनके मुतालबे पूरे ना किए गए तो ये मुझे मार देंगे। मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से और शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी जान छुड़वाएं। मैं इधर बहुत परेशान हूँ, मार देंगे मुझे। अल्लाह का वास्ता है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ वज़ीर आज़म से के सामने, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे बचा लें। मैं मर, बाकी शहीद हो गए हैं, मुझे बचा लें। अगर मैं जिंदा हूँ तो मुझे यहाँ से बचा लें। बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया है रहीम यरखा में, जिसमें 12 पुलिस अहलकार जो है शहीद हो गए हैं, उनको डाकुओं ने शहीद कर दिया और बाकी जो जख्मी थे कुछ वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। और ये जो है एक अहलकार नवाज नामी जो है, ये इसको उन्होंने अगवा कर लिया। इसके अगवा के बदले में उन्होंने अपना एक डाकू सरगुना जो है गैंग का जब्बार लोलाई, उसकी रिहाई का मुतालबा किया, जो कि जेल में कैदगार रहा था। अब हुकूमत ने जो है उसको रिहा कर दिया और इस पुलिस अहलकार को बाजियाब करवा लिया है। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है, इतने सारे पुलिस अहलकारान की शहादत जो है हो जाती है और ये जो है हमारे सामने एक बहुत बड़ा अलमिया है ये।